बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स पार्ट 3 है, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं दो टॉपिक को। एक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और एक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखिए, दोनों ही डिफरेंस है। कॉम्प्लीमेंट में भी हम माइनस कर रहे हैं और डिफरेंस ऑफ सेट में भी जाहिर है डिफरेंस हम ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अब क्या फ़र्क है, थोड़ा सा हम इसको कोशिश करते हैं समझने की। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स से क्या मुराद है। वो बात कर रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट हैं, देन ए माइनस बी मीन्स एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। ये बात आपको प्रॉबेबली समझ शायद न लगी हो, लेकिन ये बहुत अहम बात है। क्या कह रहा है कि देन ए और बी का जो डिफरेंस है वो क्या है, उसका क्या मतलब है कि एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए माइनस बी का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो मतलब जब हमने डिफरेंस लेना है, अगर ए में से बी को माइनस करना है तो ए के वो एलिमेंट लिख लेने हैं जो बी में मौजूद नहीं है, क्योंकि जो बी वाले होंगे वो तो माइनस हो गए होंगे ना उसमें से, तो बच गए होंगे जो बाकी ए के वो लिख लेने। अच्छा, अब यहाँ पे ना बाज़ दफ़ा बड़ा हम आसान करने के लिए, बच्चों को आसान करने के लिए को जुमला कॉमनली बोल देते हैं कि जी कॉमन को माइनस कर दो। तो ये कॉमन को माइनस, ठीक है कॉमन को ही माइनस करना होता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अगर थोड़ा सा सोचा जाए। अब कॉमन को माइनस कर दें, कॉमन को अगर हम माइनस करें तो फिर कन्फ्यूजन ये आता है कि फिर कॉमन तो इसमें और इसमें जो कॉमन है वो तो लिख दिए जाएंगे, तो फिर बी के जो एलिमेंट बच जाएंगे क्या उनको भी लिखा जाएगा। तो ऐसा तो फिर ये हुआ ना कि अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सपोज करो ए और बी आपके पास दो एलिमेंट हैं और उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भी इसका मतलब है फिर तो उसके अंदर कुछ कॉमन आ नहीं रहा, माइनस कुछ होगा नहीं, तो ए के भी लिख दिए जाएंगे और बी के भी लिख दिए, वो तो यूनियन बन गई, वो तरह की यूनियन बन गई। तो बजाय हम डिफरेंस लेने के हम तो यूनियन ले बैठे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जी कॉमन को माइनस कर दो, कॉमन माइनस नहीं करने, आपने ए में से अगर बी को माइनस करना है तो वो कौन से एलिमेंट होंगे, ए के वो बचे हुए एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है, और इस तरह बी में से ए को माइनस करें तो बी के वो बचे हुए एलिमेंट जो ए में अब मौजूद नहीं है। ये है कॉन्सेप्ट। अब इसको हम इसी वाले कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल यहाँ पे लीजिए कि ए आपके पास एक सेट है 2, 3, 4 और जो बी है वो है 4, 5, 6। अब इनमें कॉमन क्या है, 4 आ रहा है, और अनकॉमन क्या है, 2, 3 इसका और 5, 6 इसका। अब अगर तो डिफरेंस लिया जाए तो फिर तो होना चाहिए इसका इसका 2, 3 बच गया और उसका 5 और 6 बच गया, लेकिन ये गलत है। कैसे होगा, ए के जो बच जाएंगे अनकॉमन एलिमेंट उनको लिखा जाएगा, यानी जिस में से माइनस हो रहा है उसके अनकॉमन एलिमेंट लिख दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसके अनकॉमन कौन से हैं, 2 और 3, बस ये 2 और 3 आंसर है इसका, क्योंकि ये जो कॉमन 4 था वो इसमें से कट गया, तो इसके जो बच गए उन्हें छोड़ देना है, उन्हें कोई ताल्लुक नहीं। और यही हम गलती करते हैं जब हम डिफरेंस लेते हैं, हम इसके भी लिख देते हैं यहाँ 2, 3 और इसके जो 5, 6 पोज इसके कोई बच गया तो वो भी लिख जाते हैं, क्योंकि कॉमन को निकालना था। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर हमने ये बिठाया कि कॉमन को माइनस करना, फिर तो ये गलती होनी होनी है। कॉमन नहीं माइनस करने, जो ए के आपके अनकॉमन है उनको लिख देना है, दैट्स इट। अगर ए में से बी माइनस हो रहा है और बी में से अगर ए माइनस हो रहा है तो बी के अनकॉमन लिख देने, वही उसका डिफरेंस होगा। इन अबव एग्जांपल ए माइनस बी जो है वो उसमें 2 और 3 इसके बच जाएंगे। अच्छा, आप सपोज करो अगर हम बी माइनस ए करते तो फिर आंसर क्या आता, फिर 5 और 6 आना था क्योंकि 4 कॉमन था, फिर आंसर आना था 5 और 6 क्योंकि इसके अनकॉमन ये बच रहे, फिर 5, 6 आना था, यानी बी माइनस ए का आंसर 5, 6 है और ए माइनस बी का जो आंसर है वो 2, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता, उसके एलिमेंट और आ रहे हैं, इसके एलिमेंट और आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी सेट्स में होल्ड नहीं करती कि ए में से बी को माइनस किया जाए और बी में से अगर ए को माइनस किया जाए तो, यानी ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं होती सेट्स के अंदर। ये बात आपने याद कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद अब इसको जरा अगर हम इसको सेट्स की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो कैसे कहेंगे, इन जनरल बी माइनस ए, इसमें हम क्या कहेंगे कि सच इज इक्वल टू के
एक्स बी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, सच दैट कि एक्स आपके पास जो है वो बी में है और एक्स ए में नहीं है, यानी एक्स का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद है, एक्स का जो एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट है क्योंकि जो बी के बच गए होंगे, लेकिन एक्स का ये जो एलिमेंट है वो ए के अंदर मौजूद नहीं है, यानी ए के कट गए और बी वाले बच गए बी माइनस ए, और ए माइनस बी होता तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लिख लेते। अच्छा अब वो बात कर रहे हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं देन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए और बी माइनस ए इज इक्वल टू बी। अब ये बात आपको समझ आ रही है कि डिसजॉइंट सेट्स आपके पास होते हैं जिनमें कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो लाजमी बात है इसमें ए के एलिमेंट बच जाएंगे और इसमें बी के बच जाएंगे, तो बी आएगा क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, कुछ कटेगा है नहीं, तो यही ए बच जाएगा इस केस में और इसी में पूरा बी बच जाएगा क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं जो कटे, तो ये डिसजॉइंट केस में यूं आता है। और अगर इक्वल सेट्स होते तो उसका अगर हम डिफरेंस लें इक्वल सेट्स का तो उसका तो नल सेट आएगा ना, क्योंकि सारे एलिमेंट कॉमन है तो कट जाएंगे सारे के सारे एक दूसरे के साथ, तो नल सेट आते हैं। इक्वल सेट्स का जो डिफरेंस होता है वो नल सेट होता है, और जो डिसजॉइंट्स आपके पास सेट्स होते हैं उसके लिए आपके पास जो है वो जो माइनस जिसमें से माइनस हो रहा है वही आ जाता है आंसर। अच्छा एक और चीज आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है कि जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है इसके अंदर कार्डिनैलिटी सेम होना जरूरी है या नहीं है, मतलब क्या जरूरी है कि जितने एलिमेंट ए के हैं उतने बी के भी हों तो तभी माइनस हो सकते हैं, सेट्स के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसके भी कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं और इसके कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है, इसके अंदर जो है वो पांच एलिमेंट हो और इसके अंदर तीन एलिमेंट हो सकता है, इसके अंदर तीन एलिमेंट हो और इसके अंदर पांच एलिमेंट हो, तो माइनस हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर वो कॉमन ए वाला में अगर कोई कॉमन बी के कॉमन आ रहे हैं तो वो निकल जाएंगे, बाकी अनकॉमन ए के लिख दिए जाएंगे, दैट्स इट। तो मतलब इसके लिए कार्डिनलिटी का सेम होना जरूरी नहीं है कि सेट आपस में दो सेट आपस में माइनस हो सकते हैं अगर उनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं है, ये बात याद रखनी है। इफ यानी कि इक्वेलिटी ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी शुड बी इक्वल, दैट इज नॉट द कंडीशन, शुड नॉट बी इक्वल, दे मे नॉट बी इक्वल इनफैक्ट, कि वो बराबर हो भी सकते हैं नहीं बराबर हो सकते हैं, बराबर हैं तब भी डिफरेंस आ जाएगा, नहीं बराबर तब भी डिफरेंस आ जाएगा, तो ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान कर लेनी है। अब आ जाइए हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी डिफरेंस है लेकिन वो जरा स्पेशल एक डिफरेंस की टाइप है, जिसे हम कहते हैं कि जब यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस किया जाता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या मतलब है कि यूनियन यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को माइनस करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब है कि हमने बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ अगर नल सेट आ जाता है तो उसका मतलब नल सेट को हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो इसमें अब देखें कि वो कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट यू, सिंबॉलिकली वी डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एज ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो एक ऊपर सिंबल आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो बाज ऑफ इसके ऊपर एक ऐसे निशान यानी जैसे डैश का होता है वो उसकी बिल्कुल ऐसे हेड पे लगा दिया जाता है, उसे भी कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं। तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ यू इज आपके पास ये दे रखा है ए, उसने ये दे रखा है, तो वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू माइनस ए। अब यू के एलिमेंट जो अनकॉमन है वो लिखते जाएंगे, अब इसके 1, 3, 7 निकल जाएगा इसमें से, 1 और 3 और 7 बाकी लिखते जाएंगे, 2, 4, 5 एंड 6 दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं नीचे वो भी देख लीजिए कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट, यानी अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो एम्प्टी आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से यू को माइनस कर रहे हैं तो इक्वल हो गए ना, तो इक्वल सेट्स का आपको पता है कि जो डिफरेंस आता है वो नल सेट आता है या एम्प्टी सेट आता है, तो मींस के कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज अ एम्प्टी सेट या नल सेट। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज अ यूनिवर्सल सेट, कि अगर एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो यूनिवर्सल आएगा, ऑब्वियसली कि यू में से अगर आप नल सेट को माइनस करो तो कॉमन तो है ही नहीं उसके अंदर, तो जो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे बच जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और वो कहता है सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्स, सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट, यानी जो एक सेट होता है और उसके जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपस में डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ये बात शायद समझना लगी हो लेकिन हम ये ऊपर ही मिसाल दी हुई है यहीं से हम देख लेते हैं। जैसे ये देखें एक सेट दिया हुआ है ए सेट है, उसके एलिमेंट क्या है 1, 3, 7 और इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया जो कि यू माइनस ए किया, तो आंसर आया हमारे पास 2, 4, 5 एंड 6, तो मतलब ये हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट और ये हुआ वो सेट। वो कह रहा है कि सेट यानी ये सेट,
कोई भी हो सकता है, यानी यहाँ मुराद ये वाला सेट है, ए सेट, और वो कहता है उसके कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, वो आपस में डिसजॉइंट होते हैं। तो क्या ये आपस में दोनों डिसजॉइंट हैं? डिसजॉइंट क्या, हमने पिछली टाइप में वीडियो में आपको बताया कि डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट हम इनमें कॉमन नहीं होता, तो कॉमन आएगा ही नहीं क्योंकि उसके कॉमन ही तो निकल चुके हैं इसमें से। तो यहाँ पे देखिए, इसमें वन है, इसमें वन नहीं है, इसमें थ्री है, इसमें थ्री नहीं है, इसमें सेवन है, इसमें सेवन नहीं है, और इसका टू उसमें नहीं है, इसका फोर उसमें नहीं है, इसका फाइव उसमें नहीं है, और इसका जो सिक्स है वो भी इसमें नहीं है। तो ये सेट आपस में क्या हुए, डिसजॉइंट सेट हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ लगी होगी और इस हवाले से कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो एक थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ सो दैट कि आपकी कन्फ्यूजन मजीद जो है वो दूर हो जाए, कि जैसे मैंने कहा कि कम एलिमेंट्स में से ज़्यादा भी माइनस हो सकते हैं। जैसे ए में से यूनिवर्सल सेट को क्या हम माइनस कर सकते हैं? ऑब्वियसली माइनस कर सकते हैं, क्योंकि कार्डिनलिटी सेम होना कंडीशन ही नहीं है। वो आप यहीं से देख लें कि कार्डिनल, इसमें देखें यू के एलिमेंट कितने हैं, ज़्यादा हैं, और इसके एलिमेंट कितने हैं, तीन, और इसके एलिमेंट कितने हैं, सात, इसकी कार्डिनलिटी सेवन है, इसकी कार्डिनलिटी थ्री है, लेकिन डिफरेंस तो फिर भी हो रहा है। इसका मतलब है कि डिफरेंस हम ले सकते हैं, कार्डिनलिटी का सेम होना ज़रूरी नहीं है। ये हो रहा है ना माइनस, यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को निकाला है और इनकी कार्डिनलिटी दोनों की डिफरेंट है, इसका मतलब कि कार्डिनलिटी डिफरेंट होने से हम ले सकते हैं। तो अब फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या हम ए में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर सकते हैं? तो आंसर है यस। अब ए में से अब यूनिवर्सल सेट को हम कैसे माइनस करते हैं? पीछे आएगा क्या? आएगा ये कि नल सेट बच जाएगा पीछे। कैसे? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से, इसमें से जब हम यूनिवर्सल सेट को अगर हम माइनस करें तो देखें, इसका एलिमेंट वन इसमें आ रहा है वो भी निकल गया, इसका थ्री इसमें आ रहा है वो भी निकल गया, इसका सेवन आ रहा है वो भी निकल गया, तो ए का कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। तो उसके तो बचे हैं ना, तो उसके जो बचे हैं वो तो हम लिखते ही नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे कि यदि ए का एलिमेंट कुछ बचा ही नहीं, तो मतलब ए में से अगर यू को माइनस किया जाए तो नल सेट आता है। यानी किसी भी एलिमेंट, कोई भी आपके पास सेट है, उसमें से यूनिवर्सल सेट को अगर आप माइनस कर दें तो एम्प्टी सेट आएगा या नल सेट आएगा। तो ये बात भी आपको समझ लगी होगी। अब मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से, डिफरेंस के हवाले से जितना मैक्सिमम था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम इसको कोशिश करेंगे इसको हम आंसर दे पाएँ। और बस ये थी वीडियो, और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर उसको डिसलाइक ज़रूर करें, और हमेशा की तरह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।